हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मैलिशियस मूवी की कहानी बताने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत एक घर से होती है जिसमें एक मैरिड कपल रह रहा है। आधी रात गुजर चुकी है, वाइफ अपने रूम में सो रही होती है लेकिन उसका हस्बैंड बाहर ड्रिंक कर रहा होता है। वो लगातार एक पेंटिंग को घूर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो काफी डरा हुआ है। फिर कुछ देर के बाद वो मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मिरर में अपना सिर देकर मारता है जिससे उसे काफी चोट भी लगती है। उसकी वाइफ उसकी आवाज सुनकर जाग जाती है और उसे देखने के लिए नीचे आ जाती है। उसका हस्बैंड बहुत अजीब सी कंडीशन में होता है और वो अपनी वाइफ को भी एक आयरन स्टिक से मार डालता है। फिर काफी साल गुजर जाते हैं और फिर हम एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ होते हैं जो अपनी लाइफ को बहुत ही खुशी खुशी से स्पेंड कर रहे हैं। इसमें जो हस्बैंड होता है उसका नाम एडम और उसकी वाइफ का नाम लीसा होता है। बेसिकली एडम मैथमेटिक्स का प्रोफेसर होता है और एक यूनिवर्सिटी से उसे बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिलता है और उसकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है और साथ ही में वो लोग उसे रहने के लिए एक घर भी प्रोवाइड करते हैं जिसे पाकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वो सिटी से उस घर में आकर शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरी ओर लिसा भी प्रेग्नेंट होती है जिसकी वजह से वो दोनों बहुत खुश रहते हैं। इस बात को लेकर वो दोनों काफी डिस्कशन भी करते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। अगर बेबी बॉय हुआ तो उसका नाम एडम जूनियर रखा जाएगा और अगर बेबी गर्ल हुई तो उसका नाम जूनियर लिसा रखा जाएगा। वो दोनों लाइफ में बहुत खुश होते हैं और वो भी इस घर की ही वजह से। उनका घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत होता है और वो अपने बेबी के लिए एक रूम चूज कर लेते हैं। उसी दिन लिसा की बहन बिकी ने उनके लिए एक गिफ्ट भेजा होता है जो कि एक मिस्टीरियस बॉक्स में था। एडम उस बॉक्स को ओपन करने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उससे नहीं खुलता और फिर उन्हें लगता है शायद बिकी ने उनके साथ कोई मजाक किया होगा, मगर फिर भी वो उस बॉक्स को रख लेते हैं। उसके बाद अगले दिन एडम अपने काम पर चला जाता है और जाने से पहले वो लिसा को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर जाता है कि वो अपना ख्याल रखेगी और कोई भी हैवी चीज नहीं उठाएगी। वो कहता है कि हम दोनों मिलकर बेबी का रूम सेट कर लेंगे। लेकिन जब एडम चला जाता है तो लिसा खुद को काफी बिजी कर लेती है और वो बेबी रूम को काफी हद तक सेट कर लेती है और वो बेबी क्रिप को भी सेट कर लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो क्रिप इतना हैवी नहीं है। फिर उसका ध्यान उस बॉक्स पर जाता है जो एडम से ओपन नहीं हो रहा था और फिर वो उस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करती है और वो बहुत ही इजीली ओपन भी हो जाता है। जब वह उसे ओपन करती है तो वो बिल्कुल खाली होता है। फिर वो उसे रख देती है और वॉक पर चली जाती है। तब उसे एक औरत नजर आती है जो रो रही थी और उसकी बॉडी पर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था। वो बार बार एक ही चीज बोल रही होती है कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। उसकी ये हालात देखकर लिसा उसकी हेल्प करना चाहती है लेकिन वो लिसा को देखकर अजीब सा बिहेव करने लगती है। वो उसे कहती है कि जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो तुम्हारा नहीं रहेगा, वो उसे ले जाएगा और लोग भी तुमसे डरना शुरू कर देंगे। वो औरत उससे कहती है कि तुम लोग अपने बच्चे को बचा नहीं सकोगे। उसकी ये बातें सुनकर लिसा काफी डर जाती है और वो वापस घर आ जाती है। फिर वो घर आने के बाद एडम को कॉल करती है और सारा इंसिडेंस भी सुनाती है। उस दिन के बाद से लिसा के साथ कुछ अजीब सा होने लग जाता है। उसे बेबी के रूम से बच्चे की रोने की आवाज आती है। फिर हालात को समझने के लिए वो बेबी रूम में जाती है और जो देखती है उसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। वो देखती है कि बेबी क्रिब में एक बच्ची लेटी होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है और ये कोई सपना नहीं होता बल्कि हकीकत ही होती है। फिर जैसे ही वो उस बच्ची को गोद में उठाती है तो उसका चेहरा बदल जाता है और फिर लिसा अपने होश खो बैठती है। शाम को जब एडम घर वापस आते हैं तो वो देखता है कि लिसा बेहोश पड़ी है और वो जख्मी भी है, उसका काफी खून भी निकल चुका था। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां लिसा तो बच जाती है लेकिन उसका मिसकैरेज हो जाता है। और फिर डॉक्टर उसे एक और बैड न्यूज देती है कि वो अब कभी भी माँ नहीं बन पाएगी।
और शायद उसका मिसकैरेज कोई हेवी चीज उठाने की वजह से हुआ है। एडम को लगता है कि जरूर लिसा ने वो बेबी क्रिब ही उठाया होगा जिसके लिए उसने उसे मना किया था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी होगी। ये बात सुनकर लिसा की बहन विकी भी उनके घर आती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो कुछ दिन लिसा के साथ ही रहेगी ताकि लिसा जल्दी से ही नॉर्मल लाइफ जीने लग जाए। इस वारदात के बाद एडम काफी बार लिसा से ये भी पूछने की कोशिश करता है कि ये सब कैसे हुआ और उस दिन ऐसा क्यों हुआ। क्या उसने सच में कोई हेवी चीज उठाई थी? उसके बाद लिसा उसे सब कुछ सच सच बता देती है। वो जंगल वाला इंसिडेंस, वो औरत, वो बच्ची की रोने की आवाज और उसके चेहरे का बदल जाना। और जैसे ही उसने उस बच्ची को गोद में उठाया, उसे कुछ भी याद नहीं रहा क्योंकि वो अपने होश खो बैठी थी। यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उनके साथ बहुत अजीब चीजें हो रही थी। और साथ में एडम को वो मिस्टीरियस बॉक्स भी मिल जाता है जो अब इजीली ओपन भी हो रहा था। एडम लिसा को बताता है कि वो कहती है कि इस बॉक्स को तो मैंने उसी दिन ही खोल लिया था जिस दिन ये इंसिडेंस हुआ था। फिर एडम विकी से पूछता है कि उसने उन्हें ये बॉक्स क्यों दिया जो पहले तो नहीं खुल रहा था और अब ये इजीली खुल रहा है और ये बॉक्स खाली भी है, जिस पर वो कहती है कि मैंने ये किसी सेल से खरीदा था और लिसा को गिफ्ट किया था। वो कहती है कि उस बॉक्स ने पहले विकी को अट्रैक्ट किया और अब लिसा को, तभी तो उसने ये बॉक्स ओपन कर लिया। उन लोगों को इस बॉक्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है और फिर लाइफ नॉर्मल चलती रहती है। और फिर कुछ दिनों के बाद लिसा को अपने घर से कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है जिसे वो किसी को बता भी नहीं सकती है। जैसे मिरर में उसका रिफ्लेक्शन कुछ अजीब सा बिहेव करता है। और एक सुबह जब विकी और लिसा योगा कर रहे होते हैं तो एक बार फिर लिसा को बच्चे के रूम से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है जिसे वो विकी से भी शेयर करती है और भागकर बच्चे के रूम में जाती है। लेकिन उसे क्रिब में एक बच्ची लेटी हुई दिखाई देती है जो कि एक बड़ी बच्ची होती है। और अजीब सी बात ये होती है कि वो बच्ची सिर्फ लिसा को ही नजर आती है, विकी को नहीं। फिर वो अपनी बहन को एक्सप्लेन करती है कि वो नॉर्मल है और वो सच में एक बच्ची को देख रही है। फिर रात को एडम देखता है कि लिसा अपने बेड पर नहीं है। वो देखने जाता है तो लिसा उसे एक फायरप्लेस के पास खड़ी हुई मिलती है जो एक पेंटिंग को घूर रही होती है। वो एडम को बताती है कि हमारे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है क्योंकि जब हमारे साथ वो हादसा हुआ था तब ये पेंटिंग ऐसी नहीं थी। तब इस पेंटिंग में चार बच्चे खेल रहे थे और एक औरत उन्हें देख रही होती है। अब सच में वो पेंटिंग बदल गई है क्योंकि अब वो औरत उन बच्चों को नहीं बल्कि साइड में देख रही होती है। इस बात को बस लिसा महसूस करती है, एडम नहीं। वो उसे समझाता है कि अपने बेबी को खोने की वजह से तुम ऐसी हो गई हो क्योंकि तुम अपसेट हो और तुम्हारी ऐसी हालत है। और फिर विकी के साथ भी एक दिन एक अजीब सी घटना होती है। वह नोटिस करती है कि मिरर उसका रिफ्लेक्शन एज इट इज नहीं दिखा रहा। मिरर में दिख रही रिफ्लेक्शन विकी की नहीं बल्कि किसी और की होती है। देखते ही देखते उसकी रिफ्लेक्शन उसे मारने की कोशिश करती है और उसके दिमाग पर ऐसा असर करती है कि वो अपनी बहन को बिना बताए ही उसके घर से चली जाती है। लिसा को इस बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स उसके साथ भी हो रहे थे। साथ ही में उसे हमेशा एक छोटी बच्ची भी दिखाई देने लगी थी जो कि उसे मम्मा कहती थी। लिसा इन सब से काफी तंग आ चुकी थी। वो एडम को कहती है कि हमारे इस घर में कुछ अजीब है, जैसे कोई एविल पावर है। फिर वो एडम से कहती है कि आपकी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है जिनका नाम डॉक्टर क्लार्क है जो कि पैरानॉर्मल रिसर्चर है, शायद वो हमारी मदद कर सके। क्योंकि लिसा काफी डरी हुई थी तो एडम उसकी बात मान लेता है और डॉक्टर क्लार्क से मिलता है। क्योंकि एडम इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता तो वो डॉक्टर क्लार्क से मिलता है और उनसे कहता है कि वह लिसा का शक दूर करे। फिर एडम डॉक्टर क्लार्क को अपने घर लेकर आता है और उन्हें काफी अजीब अजीब सी चीजें महसूस होती हैं।
एक्चुअली डॉक्टर क्लार्क बचपन से ही ब्लाइंड होते हैं, लेकिन उनके पास एक एबिलिटी होती है, वो पैरानॉर्मल चीजों को महसूस कर सकते हैं। क्लार्क लिसा को बताते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी वजह ये घर नहीं बल्कि और ही कुछ है। और फिर डॉक्टर क्लार्क को उस मिस्टीरियस बॉक्स के बारे में पता चलता है। फिर वो ये बात समझ जाते हैं कि एक अननोन एविल पावर थी जो कि इस बॉक्स में बंद थी, और जैसे ही बॉक्स ओपन किया गया वो पावर आजाद हो गई, और जिसने भी उस बॉक्स को ओपन किया है वो पावर उसके साथ ही है, और जहाँ जहाँ वो जाएंगे वो पावर उनके साथ ही जाएंगी। उसकी बातें सुनकर एडम काफी गुस्से में आ जाता है और वो डॉक्टर क्लार्क को बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैंने आपको लिसा का शक दूर करने के लिए कहा था, ना कि और डराने के लिए। इस पर डॉक्टर क्लार्क उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम लोगों को शायद पता ही नहीं कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन एडम उनकी एक बात नहीं सुनता। फिर उसी ही रात एडम के साथ भी कुछ अजीब सा होना शुरू हो जाता है, जब उसे एक औरत और एक ओल्ड लेडी नजर आती है, वो दोनों उसे बहुत डरा देती हैं। अब एडम को यकीन हो जाता है और फिर वह अगले ही दिन डॉक्टर क्लार्क को अपने घर में बुला लेता है और डॉक्टर क्लार्क उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इस रिसर्च से उन्हें पता चलता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो उस बॉक्स की वजह से ही हो रहा है। उसमें एक अननोन एविल पावर होती है जो काफी टाइम से दुनिया में रह रही होती है, और उसका मकसद एक अनबॉर्न बेबी का शिकार करना ही होता है। मतलब वो बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देता है, और उसकी बहुत बड़ी मिसाल लिसा है। हमने देखा कि बॉक्स को एडम ने और बिकी ने खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बस लिसा से ही खुला क्योंकि लिसा प्रेग्नेंट थी। बाहर आते ही वो बच्चे को मार देता है, और जो बच्चे लिसा को नजर आते थे वो उसी के अनबॉर्न बेबी थे। मींस अगर उसके बच्चे दुनिया में आते तो वो ऐसे ही दिखते, इसीलिए लिसा को पहले छोटी बच्ची नजर आई थी, फिर उसे बड़ी, और बाद में वो लेडी और ओल्ड लेडी। ये सब बच्चे के वर्जन थे। एविल एंटिटी ज्यादातर मिरर और पेंटिंग्स में ही रहती थी क्योंकि उसका कोई वजूद तो होता ही नहीं है। वो लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेती थी, उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखती थी, और ऐसा उन तीनों के साथ हो चुका था। एविल एंटिटी को मारा तो नहीं जा सकता था, बस कैद किया जा सकता था, और कैद करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि उस औरत को मारा जाए तो वो एंटिटी कैद हो जाएगी, और यही वजह थी जब फैमिली में आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया था और उनके घर के सामान में ही वो बॉक्स मिला था जो बिकी ने लिसा को दिया था। और जंगल में मिलने वाली औरत उस औरत की सोल थी जो उस एंटिटी के साथ उस बॉक्स में कैद हो गई थी। इधर एडम जेल चला जाता है, और जाने से पहले वो उस बॉक्स को बिकी को दे जाता है, और अब ये सब बिकी के साथ भी होने वाला था क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू।